हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी वर्क्स हैं, राइटर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क्स को हम लोगों ने इससे पहले भी क्लियर किया है। काफी सारे जो कंप्लीट वर्क्स हैं राइटर्स के, उनको हमने डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। तो अभी हम इस सीरीज को फिर से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि लेक्चरर और एलटी के एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी अगर आप पहले से तैयारी रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की इसके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज हम आरके नारायण के एक वर्क के बारे में बात करेंगे, वो है द इंग्लिश टीचर। नोट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे नोट्स बनाए गए हैं और आप लोगों को एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। आप लोग अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इसी तरह से आप बनाइए, क्योंकि जब हम किसी वर्क की बात करते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से उस चीज को बात कर लेते हैं। चीज है बैकग्राउंड, आप लोगों को बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जो पब्लिकेशन डेट है उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा कौन सा है, कैरेक्टर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथी चीज है जो इंपॉर्टेंट, उसमें इंसिडेंट होता है। अगर ये चार चीजें आप लोगों ने की है तो मोस्ट ऑफ जो है वो आप लोगों का क्या है, क्लियर है, ठीक है, वो वर्क क्लियर है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं उस चीज को। तो चलिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। द इंग्लिश टीचर इज अ 1945 नॉवल रिटन बाय आर के नारायण। सो इट वाज रिटन इन 1945 और इसके जो राइटर हैं वो आर के नारायण है, ऑब्वियस थिंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज सेट इन मालगुडी। मालगुडी जो प्लेस उनका फिक्शनल प्लेस था, ठीक है, फिक्शनल प्लेस उन्होंने किया था। सो फिक्शनल प्लेस में उनका उन्होंने काफी सारे नॉवेल्स लिखी थी, एक सीरीज पूरी लिखी थी, तो उसी का ये पार्ट है इंग्लिश टीचर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि दो तीन वर्क दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि मालगुडी जो सीरीज थी उसका क्या वो पार्ट था। तो इंग्लिश टीचर जो वर्क है वो है, उसका पार्ट है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। कब पब्लिश पब्लिश हुई थी, रिटन थी, वो थी आपकी 1945। किसने लिखी थी, आर के नारायण। ये मालगुडी जो सीरीज थी उसका पार्ट था। प्रेसिडेड बाय स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। 1935 में इससे पहले देखिए, और इसको याद करने का तरीका ये भी है, 45 और 35, ठीक है। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि 35 जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स का है और 45 जो है वो किसका है, द इंग्लिश टीचर का है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, मालगुडी डेज 1943, फॉलोड बाय मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। The novel dedicated to Narayan's wife Razam is not only autobiographical but also poignant in its intensity of feeling. यहाँ पे जो है उसकी उनकी वाइफ है उनके बारे में है, और हम इसमें देखेंगे कि जो टीचर है वो कौन है, कृष्णा। पूरी स्टोरी अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि क्या ये वर्क ऑटोबायोग्राफिकल है। तो सिंपल सी बात है, उनके वाइफ के बारे में है तो ऑटोबायोग्राफिकल है। द स्टोरी ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ ऑफ कृष्णा कृष्णा इन एन इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर है, किसके बारे में है, कृष्णा। अब जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें तो अभी हम क्लियर कर ही लेंगे। एंड हिज क्वेस्ट फॉर इनर पीस एंड सेल्फ डिवेलपमेंट। अब बात करते हैं प्लॉट समरी की। प्लॉट समरी इंपॉर्टेंट है। प्लॉट समरी आप जैसे जैसे देखते चलेंगे तो एक चीज अपनी आदत बना लीजिए कि प्लॉट समरी आप जैसे ही करते हैं तो द इंग्लिश टीचर लिखेंगे, आप वो सारे कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कैरेक्टर्स का नाम याद है तो आपको स्टोरी याद रहेगी। कैरेक्टर्स का नाम भूल जाएंगे तो आप लोग वर्क भी भूल जाएंगे कि ये किस वर्क में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो कैरेक्टर हैं वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है कि वो कौन से स्कूल में थे। तो इस स्कूल का नाम था अल्बर्ट मिशन स्कूल। जो कैरेक्टर है वो कौन है, कृष्णा। हैज लेड अ मंडेन एंड मोनोटोनस लाइफ स्टाइल कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ काउ। काउ की तरह ही वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल मंडेन लाइफ स्टाइल जी रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मंडेन बोरिंग का सेंस है, मोनोटोनस मोनोटोनस वही बोरिंग ही होता है। मोनो मीन्स कहीं पे भी, अगर मोनो का सेंस आता है तो एक आता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो कुछ वर्ड्स भी अगर आप साथ में चलेंगे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें वोकैबुलरी के लिए, वैसे हमने जो कोर्स में है वोकैबुलरी दी है, लेकिन वोकैबुलरी कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है, वोकैबुलरी को आपको आपकी अपनी एक हैबिट बनानी है। आप इतना सारा इंग्लिश लिटरेचर, आप यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, सो यू मस्ट नो ऑल दीज वर्ड्स, और ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक
ठीक है, आपकी अगर हैबिट है डेली वर्ड्स को फोकस करने की, तो आपकी वोकैबुलरी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और आप सोचेंगे कि नहीं, मैं रोज 30 मिनट या 1 घंटे बैठ के वोकैबुलरी रटूंगा, उससे वोकैबुलरी बढ़ेगी, तो ठीक है, उससे आपका थोड़ा सा बेनिफिट होगा। लेकिन आपका अगर हैबिट में है कि आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपकी वो वोकैबुलरी को एनरिच करता चलेगा। ही टू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन कल्चर। चलिए आगे चलते हैं, स्टोरी को देखते चलेंगे। सून हिज वाइफ टुक अ टर्न व्हेन हिज वाइफ सुशीला, उनकी वाइफ का नाम, अब पहला कैरेक्टर कौन है, कृष्णा, और वाइफ का नाम क्या है उनका, सुशीला। देयर किड, किड का नाम है लीला, ध्यान रखिएगा, कृष्णा लीला एंड सुशीला। सो केम टू लिव विद हिम, उसकी जो वाइफ है सुशीला और लीला उसके साथ आ जाती है। विद देयर वेलफेयर ऑन हिज हैंड्स, कृष्णा लर्न्स टू बी अ प्रॉपर हस्बैंड एंड लर्न्स हाउ टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली। अब वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। ही फेल्ट दैट हिज लाइफ हैड कंपैरेटिवली इम्प्रूव्ड एज ही अंडरस्टूड दैट देयर इज मोर मीनिंग इन लाइफ टू लाइफ देन टू जस्ट टीचिंग इन कॉलेज। तो अब क्योंकि फैमिली उसके साथ में आ गई है, फैमिली रिलेशनशिप में वो आ गया है, तो उसके बाद उसके अंदर जो फीलिंग्स है फैमिली के लिए वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाते हैं और वो समझना शुरू करता है कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग इन कॉलेज, बट देर इज अ पार्ट नेम फैमिली एज वेल। सो हाउएवर ऑन द डे व्हेन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू हाउस, सुशीला कॉन्ट्रैक्ट्स टाइफाइड आफ्टर विजिटिंग अ डर्टी लेबोरेटरी कीपिंग हर इन बेड फॉर वीक्स। अब उसे क्या हो जाता है, सुशीला को टाइफाइड हो जाता है बिकॉज शी वेंट देयर टू डर्टी लेबोरेटरी। तो अब उसकी तबीयत काफी खराब है। थ्रू आउट द एंटायर कोर्स ऑफ हर इलनेस, कृष्णा कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू कीप एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट सुशीलाज इलनेस, कीपिंग हिज होप्स अप बाय थिंकिंग दैट हर इलनेस वुड बी क्योर्ड। अब वो काफी ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि सुशीला क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाउएवर सुशीला इवेंचुअली स्कम्स एंड पास अवे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सुशीला की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड कृष्णा डिस्ट्रॉयड बाय हर लॉस हैज सुसाइडल थॉट्स बट गिव्स अप फॉर द सेक ऑफ हिज डॉटर लीला। अब यहाँ पे क्या है, उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन लीला जो उनकी बेटी है उसके लिए क्या है, वो जीता है। एंड ही लीड्स हिज लाइफ एज लॉस्ट एंड मिजरेबल पर्सन आफ्टर हर डेथ, बट आफ्टर ही रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम स्ट्रेंजर हु इंडिकेट्स दैट सुशीला हैज बीन इन कॉन्टेक्ट विद हिम, दैट शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद कृष्णा, ही बिकम्स मोर कलेक्टेड एंड चेयरफुल। अब यहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है, उस लेटर में ये लिखा रहता है कि सुशीला से कॉन्टेक्ट हो गया है। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान होता है वहां पे एक्चुअली, जो जो स्ट्रेंजर है वो ऐसा इंसान होता है जो कि मरी हुई आत्माओं से क्या करता है, डेड सोल से कांटेक्ट कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। ठीक है, ही वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। तो इस बात से कृष्णा को काफी हेल्प मिलती है और वो वहां पर जाता है। दिस लीड्स कृष्णाज जर्नी टू सर्च ऑफ एनलाइटमेंट विद द स्ट्रेंजर एक्टिंग एज मीडियम ऑफ सुशीला इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी एंट्री होती है। लीला ऑन द अदर हैंड goes to प्रे स्कूल वेयर कृष्णा गेट्स टू मीट द हेड मास्टर, अ प्रोफाउंड मैन हु केयर फॉर द स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल एंड टीचेस देम मॉरल वैल्यूज थ्रू हिज ओन मैथड्स। अब वो जो है लीला जो है वो प्री स्कूल में चली गई, वहां पे एक हेड मास्टर उसे मिलता है, और हेड मास्टर क्या है, वो स्टूडेंट्स को मॉरल लेसन्स पे बड़ा फोकस करता है। द हेड मास्टर पुट्स हिज स्टूडेंट्स एज हिज टॉप प्रायोरिटी बट ही डजंट केयर फॉर हिज ओन फैमिली एंड चिल्ड्रन, इवेंचुअली लीविंग देम ऑन द डे प्रेडिक्टेड बाय एन एस्ट्रोलॉजर एज टू बी व्हेन ही वाज गोइंग टू डाई व्हिच डिड नॉट कम ट्रू। अब यहाँ पे जो हेड मास्टर है वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, और एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है कि एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है कि जब वो मर रहा होगा, लेकिन उसके बारे में उसके मरने की जो प्रिडिक्शन होती है वो सच नहीं होती है। कृष्णा गेट्स टू लर्न थ्रू द हेड मास्टर ऑन द जर्नी टू एनलाइटनमेंट, इवेंचुअली लर्निंग टू कम्युनिकेट टू सुशीला ऑन हिज ओन। अब वो लास्ट में सुशीला से कम्युनिकेट करना सीख जाता है, और क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो सुशीला से जब दोबारा से कम्युनिकेट करता है तो रिजुविनेट फील करता है, दोबारा से अपना लाइफ जीना शुरू करता है। दस कंक्लूडिंग द एंटायर स्टोरी इटसेल्फ विद द कोट दैट ही फेल्ट अ मोमेंट ऑफ रेयर इमिटेबल जॉय। तो अगर कभी ये कोटेशन आपके पास में आ जाती है, अ मोमेंट ऑफ रेयर इमिटेबल जॉय,
तो ये आप लोगों को याद रखना है, द इंग्लिश टीचर की कहानी है, कोटेशन है, ठीक है, कोट आप लोगों को ये याद रखना है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अगर आप एक दिन में, देखिए सीधी सी बात है कि एक छोटी सी आप, अगर आपके पास में एक ग्लास है, आप उसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके भरेंगे तो एक दिन वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बूंद बूंद करके उसे खाली करेंगे, मीन्स आप डेली स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप खाली होते चले जाएंगे, धीरे धीरे खाली होते चले जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। अगर बूंद बूंद करके भरते रहेंगे तो एक बार आप लोगों के पास में काफी ज्यादा जो नॉलेज है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह से आप लोगों को देखेंगे कि इसमें हमने जो आर के नारायण है, उसमें इस पीडीएफ में आपको आर के नारायण के लगभग सारे वर्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का कौन सा वर्क है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है पूरे राइटर्स का, राइटर का बैकग्राउंड है, उनके सारे वर्क्स है। और इसी के साथ में आप लोगों को जैसे कि ये पूरा का पूरा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी याद करवाया था, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।